भाष शब्द किस भाषा से बना है? तो देखिए, भाष शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से बना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो गाइज, उनको कहा जाता है अघोष व्यंजन। क्या कहा जाता है? अघोष व्यंजन। देखिए, आपको याद होगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन ना हो, ठीक है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, और जिनमें कंपन हो उन्हें क्या बोलते हैं? सघोष व्यंजन। ठीक है, तो जो हमारे पांच वर्ग होते हैं, का से पा तक, ठीक है, तो उनका पहला और दूसरा, ठीक है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष व्यंजन होता है, और तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो सघोष होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, लेखन के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो 13 होती है। कितनी होती है? 13। चलिए चौथा क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, वो लेखन के आधार पर थी और ये उच्चारण के आधार पर है, तो उच्चारण के आधार पर जो होती है वो होती है 10। कितनी होती है? 10। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यतः स्वरों की संख्या कितनी होती है? गाइस, ना ही आपको यहाँ पे, देखिए, ना ही आपको यहाँ पे 13 लगाना है, ना ही आपने यहाँ पे 10 लगाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया तो आपको टिक करना है 11, यानी मुख्यतः स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋषि री का उच्चारण किस स्थान से होता है? ठीक है, तो ये कहाँ से होता है? मूर्धा। ठीक है, तो मूर्धा, ये मूर्धा कौन सा स्थान होता है? जो हमारे मुंह के भीतर की ऊपरी छत का जो अगला भाग होता है, ठीक है, ये हमारा जीभ है, इसकी जो ऊपर वाली छत होती है इसका अगला भाग, इसको बोलते हैं मूर्धा। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान है, तो ये कहाँ से है? तालु। ठीक है, कहाँ से है? तालु, जिसको हम तालव्य भी बोलते हैं, यानी मुंह के भीतर का पिछला भाग। ठीक है, मुंह के भीतर का जो पिछला भाग होता है ऊपरी, वहाँ से उसे बोलते हैं तालु। चलिए गाइस आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, ओ बड़ा ओ, ठीक है, ओ से ओखली और औरत वाला, ठीक है, का उच्चारण स्थान है, तो ये कहाँ से? इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और ओष्ठ्य से है, कंठ और ओष्ठ्य से। चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है, इनमें से ओष्ठ ध्वनि बतानी है कौन सी है? तो देखिए, डा जो है वो ओष्ठ ध्वनि है, कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि। चलिए दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुनासिक स्वर है, ठीक है, इसमें अनुनासिक स्वर बताना है कि कौन सा है, तो अनुनासिक स्वर कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए वाला, ठीक है, ऑप्शन ए वाला। अनुनासिक स्वर होते कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। चलिए ग्यारहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्यारहवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निरानुनासिक स्वर है, तो इसमें से आपने निरानुनासिक स्वर बताना है, तो इसमें कौन सा वाला है? ये है ई। कौन सा है? ई। ठीक है, निरानुस्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकले, ठीक है, इनको मौखिक स्वर भी बोलते हैं। निरानुनासिक स्वर को जो है मौखिक स्वर भी बोलते हैं, ठीक है गाइस, निरानुनासिक स्वर या मौखिक स्वर। चलिए बारहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। बारहवा क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 27। कितनी होती है? 27। देखिए, का वर्ग से पा वर्ग तक, तो 25 तो यही हो गए, ठीक है, 5 5 25, और दो जो होते हैं वो होते हैं उत्क्षिप्त, यानी उत्क्षिप्त, ठीक है, उत्क्षिप्त, यानी ये वाला डा और ये वाला, ठीक है, तो 25 और 2 ये 27। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा उच्चारण काल के आधार पर दो प्रकार के, सॉरी, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। देखिए, एक तो ह्रस्व हो गया, ठीक है, दीर्घ हो गया, और एक हो गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर तो ये कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के, ठीक है गाइस, तीन प्रकार के। चलिए
चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्य स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मुख्य स्वर जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। देखिए, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ऋषि वाला री। ठीक है गाइस, चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य स्वर है। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य स्वर है, तो मध्य स्वर कौन सा है? आ। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर है। ठीक है, अग्र स्वर बताना है आपने, तो अग्र स्वर कौन सा है इसमें? ए, बड़ा वाला ए। ठीक है, ये जो है अग्र स्वर है, जिन स्वर के उच्चारण का जीव का अग्रभाग, ठीक है, जिनके उच्चारण में जीव का अग्रभाग प्रयोग किया जाता है उनको अग्र स्वर बोलते हैं, तो ए जो है इसमें। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मुख के द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? चार। कौन कौन से? देखिए, बिव्रत, बिव्रत, अर्धबिव्रत, अर्धबिव्रत, अर्ध संव्रत और संव्रत। तो ये चार प्रकार के होते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर। चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दो प्रकार के, एक आवर्तमुखी और दूसरा व्रतमुखी। चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, सभी स्वर किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सभी स्वर जो हैं वो सघोष ध्वनियाँ होती हैं। कैसे ध्वनियाँ होती हैं? सघोष ध्वनियाँ। चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो उसका सही आंसर है 11। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 11। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कंठ ध्वनि है। ठीक है, इसमें से आपने कंठ ध्वनि बतानी कौन सी है? तो यह है बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए एक तो डाई ये वाला होता है और एक ये वाला होता है, तो जिसके यहाँ पर पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे। चलिए 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सघोष और अल्प प्राण दोनों हैं? तो यह है ड। कौन सा है? ड। चलिए 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है, न किस प्रकार का व्यंजन है? तो गाइज ये जो है नाशिक्य व्यंजन है। ठीक है, ये कौन सा है? नाशिक्य व्यंजन है। चलिए निम्नलिखित में से महाप्राण है, तो इसमें आपने बताना है कि इसमें से महाप्राण कौन सा है? तो कौन सा है महाप्राण? था। था जो है महाप्राण है। अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, इन चारों में आपको अघोष व्यंजन पहचानना है। ठीक है, कौन सा है? तो यह है डी ऑप्शन, यानी शा हमारा अघोष व्यंजन है। चलिए गाइस दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियाँ को पहचानना है। ठीक है, इनमें से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो देखिए तालव्य ध्वनि जो होती हैं वो च छ ज झ ये होती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चावला। किस तरह से होती हैं ये? पहले कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंतीय, फिर ओष्ठीय। ये कंठ की तरफ से ओष्ठीय की तरफ जाती हैं। ठीक है, चलिए गाइस तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानी है। तो गाइस इनमें से कौन सा चिन्ह है जो अल्प विराम है? तो गाइस ये है पहला वाला ए। दूसरे वाले की बात करें तो ये अर्धविराम है। तीसरे वाले की बात करें इस वाले की, तो इसको बोलते हैं उप विराम। क्या बोलते हैं इसको? उप विराम। बात करें डी ऑप्शन की, तो ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। चलिए गाइस चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो गाइस ये होते हैं पांच प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के। देखिए पहला हो गया तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा हो गया संकर। ठीक है गाइस, चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो गाइस देखिए, रिक्शा शब्द जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो गाइस उद्देश्य और विधेय जो हैं वो वाक्य के अंग हैं। ठीक है, देखिए उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई एग्जांपल ले लो, अनु राग खेलता है, अनुराग खेलता है, तो ये एक वाक्य है। ठीक है गाइस, तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, तो इसमें किसके बारे में मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है कि अनुराग खेलता है, तो अनुराग के बारे में बताया जा रहा है, तो अनुराग जो है वो उद्देश्य होगा। अब उद्देश्य के अलावा जितना बचता है वो विधेय कहलाता है। ठीक है, उद्देश्य के अलावा जितना भी शेष भाग बच जाता है उसको विधेय कहते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य विधेय जो है वो वाक्य के अंग हैं। ठीक है, किसके अंग हैं? वाक्य के। चलिए गाइस सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो इसमें से गाइस कौन सा नहीं है? तो यह है कमीना। ठीक है, इजलास भी है, किस्मत भी है और कातिल भी है, लेकिन कमीना नहीं है। चलिए गाइस आठवां, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है गाइस, इसमें से आपने बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए मित्र वो पुल्लिंग है, उपहार भी पुल्लिंग है, अध्याय भी पुल्लिंग है, लेकिन सूचना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए गाइस नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है, हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, हरियाली किस प्रकार की संज्ञा? तो देखिए गाइस, हरियाली जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? भाववाचक संज्ञा। चलिए दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। दसवां क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ठीक है गाइस, तो इन चारों में से चाकू शब्द का जो है वो बहुवचन क्या होगा? तो गाइस चाकू का चाकू ही होता है। ठीक है, चाकू का चाकू ही होता है। चलिए ग्यारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन है, नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है गाइस, इन चारों में से नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नवोड़ा का होता है नव प्लस उड़ा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए बारहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। बारहवा क्वेश्चन है, महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए महाजन में जो है वो कर्मधारय समास है। महान है जो धन, महान है जो जन, जिसमें है जो, ठीक है, लग जाता है जो, इस तरह से, तो वो कर्मधारय समास होता है। चलिए तेरहवा क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम होगा? ठीक है, इनमें से, इन शब्दों में से आपको शुक्ल का विलोम शब्द बताना है। तो कौन सा है शुक्ल का विलोम शब्द? इसमें कृष्ण। कौन सा है? कृष्ण। सुना होगा आपने कृष्ण शुक्ल करके। ठीक है, तो शुक्ल का जो विलोम होगा वो कृष्ण होगा। चलिए गाइस चौदहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। षट पद का पर्यायवाची शब्द बताना। ठीक है, इन चारों में से षट पद का जो है वो पर्यायवाची आपने बताना है। तो इसमें से कौन सा है? भ्रमर। ठीक है, षड्वच का जो पर्यायवाची शब्द है वो है भ्रमर। एक भ्रमर हो गया, ठीक है, मधुकर हो गया, भ्रंग हो गया, मधुराज हो गया, मधुभक्षा हो गया। ठीक है, तो ये षटपद के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए पंद्रह क्वेश्चन देख लेते हैं। पंद्रह क्वेश्चन है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है? तो गाइस शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ठीक है, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका जो सही अर्थ है वो यही है, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। चलिए गाइस सोलहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलहवा क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? ठीक है गाइस, तो समुद्र मंथन करने का जो मतलब अर्थ है वो है कठोर परिश्रम करना। क्या है? कठोर परिश्रम करना। चलिए सत्रहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्रहवा क्वेश्चन है, केवर्त शब्द का तद्भव रूप है? ठीक है, केवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तो वो क्या है? केवल। ठीक है, क्या है? केवल। चलिए गाइस अठारहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अठारहवा क्वेश्चन है,
नारियल शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है, नारियल शब्द का जो है वो तत्सम रूप आपने बताना है। तो नारियल का जो तत्सम रूप है वो है नारिकेल, यानी ए वाला, ठीक है, कौन सा है, नारिकेल। तत्सम जो होते हैं वो जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, वो तत्सम होते हैं। चलिए गाइस 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा, मुगल किस प्रकार का शब्द है, ठीक है, आपने बताना है मुगल जो है वो किस प्रकार का शब्द है। तो गाइस मुगल जो है देखिए वो तुर्की तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए गाइस 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है, इसमें से जो आपको शुद्ध वर्तनी वाला जो है पहचानना है। तो देखिए मानवीकरण किस तरह लिखा जाता है, तो मानवीकरण जो लिखा जाता है ये इस तरह से लिखा जाता है, मानवीकरण, ठीक है गाइस। चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है, ठीक है गाइस, जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या है। तो विनय बात करें विनय पत्रिका किसने लिखी थी, तो आप याद रखेंगे तुलसीदास ने, किसने लिखी थी, तुलसी दास ने। और ये किस भाषा में है, आप याद रखेंगे ब्रज भाषा में, किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। चलिए 22वां क्वेश्चन है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं वायव्य है, क्या बोलते हैं, वायव्य है। ईशान जो बोलते हैं ये पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को बोलते हैं, आग्नेय जो बोलते हैं दक्षिण और पूर्व की दिशा को बोलते हैं। बात करें नैऋत्य की, तो ये दक्षिण और पश्चिम के यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कहलाती है। चलिए गाइस 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है, खाने का इच्छुक के लिए एक शब्द है, ठीक है गाइस, जो खाने की का इच्छुक है उसके लिए एक शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो गाइस वो होता है बुभुक्षा, कौन सा होता है, बुभुक्षा, ठीक है। और जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए शब्द होता है वो होता है बुभुक्षित, कौन सा होता है, बुभुक्षित। चलिए अंतिम 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड लास्ट। स्मृति की रेखाएं संरचना किसकी रचना है, तो गाइज ये है महादेवी वर्मा की, स्मृति की रेखाएं रचना जो है वो महादेवी वर्मा की है। चलिए उड़िया किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो गाइज उड़िया जो है वो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, ठीक है। अर्धमाग बात करें अर्धमागधी में, तो इसमें कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी, कौन सी आती है इसमें, पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें आती है मराठी, कौन सी आती है, मराठी, और मराठी शौरसेनी से प्रभावित है, ठीक है गाइस। बात करें ब्राचड़ की, तो ब्राचड़ में कौन सी आती है, पंजाबी और सिंधी। निम्नलिखित में से पाद बिंदु कौन सा है, ठीक है गाइस, तो देखिए पाद बिंदु जो है वो ऑप्शन सी वाला, ठीक है, ऑप्शन सी वाला है पाद बिंदु। बात करें ऑप्शन ए की, तो इसको क्या बोलते हैं हम, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। बात करें सेकंड वाले की, तो सेकंड सेकंड वाले को बोलते हैं पाद चिन्ह, क्या बोलते हैं, पाद चिन्ह। थर्ड वाला हमारा पाद बिंदु, और फोर्थ वाला इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोप चिन्ह, क्या बोलते हैं इसको हम, लोप चिन्ह। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण तथा ओष्ठीय व्यंजन है, तो गाइस इसमें भा जो है, ठीक है, ये स्पर्श घोष है, महाप्राण है और ओष्ठीय है, ठीक है गाइस, ये पा वर्ग का चौथा व्यंजन है, ठीक है, भा जो है पा वर्ग का चौथा व्यंजन है। चलिए गाइस 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, तो गाइस इसमें जो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है वो है ऑप्शन सी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ठीक है गाइस। चलिए देखिए इसमें ये जो चिन्ह दे रखा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, याद रखेंगे आप, इसको बोलते हैं हम आश्चर्य, आश्चर्य या विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो गाइस देखिए अर्थ के आधार पर जो है शब्द चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला है एकार्थी, एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी,
दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची, और चौथा होता है हमारा विपरीतार्थी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो गाइज ये की थी 1897 ईस्वी में। डेट की बात करें कंप्लीट तो 1 मई 1897 ईस्वी में। कहाँ पे की थी ये भी आप याद रखेंगे, कलकत्ता में। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है गाइस, नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो गाइस ये जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन। किस में जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। इस संविधान संशोधन द्वारा तीन भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, कोंकणी कोंकणी और मणिपुरी। इन तीन भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है गाइस, इसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा किन किन भाषाओं को जोड़ा गया था। तो गाइस इसमें जो है चार भाषाओं को जोड़ा गया था, जो 2003 में हुआ था। ये संशोधन था 92वां, जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2003 में हुआ था। इसमें चार भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी थी वो? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बात करें 21वां संविधान संशोधन की, तो गाइस 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। इसमें एक ही भाषा को जोड़ा गया था, सिंघवी भाषा को। किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंघवी भाषा को। ठीक है गाइस, बात करें अपने जो ये 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं, तो इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। ये किस भाग में आती हैं? ठीक है, तो आप भाग आप याद रखेंगे, भाग 17। किस में आती है ये? भाग 17 में, अनुसूची 8। और अनुच्छेदों की बात करें हम तो 343 से 351 तक। चलिए सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई? तो गैस इस आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1961, ठीक है, 1961 ईस्वी में नई दिल्ली में। कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। गैस ये वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो है ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय के। चलिए आठवां क्वेश्चन है, पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो गाइज ये हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन। कहाँ पे हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन। चलिए गाइज नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक है गाइज, इनमें से आपने बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो गाइज इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो है निर्धनता। ठीक है, कौन सा है? निर्धनता, ये पुल्लिंग शब्द है। दया, बुढ़ापा और दुर्घटना, ये कैसे शब्द हैं? ये स्त्रीलिंग है। चलिए दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। दसवां क्वेश्चन है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ठीक है गाइस, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो गाइस ये हैं ऑप्शन ए, कौन, क्या, किसने। चलिए ग्यारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्यारहवा क्वेश्चन है, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? ठीक है, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? तो गाइस पुस्तक से बनेगा पुस्तकीय। क्या बनेगा? पुस्तकीय। चलिए बारहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। बारहवा क्वेश्चन है, वीर का स्त्रीलिंग है, ठीक है, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। क्या होगा? वीरांगना। चलिए तेरहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तेरहवा क्वेश्चन है, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है गाइज, आपने बताना है विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है। तो गाइज देखिए, विद्वान जो है ये एक जातिवाचक शब्द है। क्या है ये? एक जाति है। कहते नहीं है वो बड़ा विद्वान है, तो ये एक जाति है। ठीक है, ये जातिवाचक है। ठीक है गाइज, चलिए
चौदवा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौदवा क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए अन्वेषण को किस तरह लिखते हैं हम लोग, अनु प्लस एषण। ठीक है, अनु प्लस एषण यानी इसमें उ और इसके लास्ट का ए, जब ये दोनों मिलते हैं तो बन जाता है ये वह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अनु। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसमें, ऑप्शन डी अनु प्लस एषण। बात करें अन्वेषण किस तरह की संधि है, तो गाइस ये यड़ संधि है। कैसी संधि है ये, यड़ संधि। चलिए पंद्रह क्वेश्चन देख लेते हैं। पंद्रह क्वेश्चन है बारह सिंगा शब्द में कौन सा समास है। ठीक है गाइस, तो बारह सिंगा शब्द में कौन सा समास है, बहुब्री समास। कौन सा समास है इसमें, बहुब्री समास। चलिए सोलहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलहवा क्वेश्चन है नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, इसमें नग का जो है वो अनेकार्थक शब्द नहीं होगा, तो कौन सा है वो, पर्वत। ठीक है, कौन सा है, पर्वत। सत्रहवा क्वेश्चन, सत्रहवा क्वेश्चन है चांचल्य का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो चांचल्य का जो विलोम शब्द है वो होगा स्थैर्य। क्या होगा, स्थैर्य। ठीक है, निष्कलुष की बात करें तो ये कलुष का विलोम है। किसका विलोम है ये, कलुष का। रुक्ष की बात करें तो ये मृदुल का विलोम है। किसका विलोम है ये, मृदुल का। दूषण की बात करें तो ये भूषण का। किसका विलोम है ये, भूषण का। चलिए गाइस अट्ठारहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अट्ठारहवा क्वेश्चन है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है गाइस, इसमें आपने बताना मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, केसरी। कौन सा है, केसरी। बात करें उरुक की तो ये सर्प का पर्यायवाची है। किसका है, सर्प का। भुजंग की बात करें तो ये भी सर्प का है। तुरंग की बात करें तो ये किसका है, ये है घोड़े का पर्यायवाची शब्द। चलिए उन्नीसवा क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्नीसवा क्वेश्चन है अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ है। ठीक है गाइज, आपने बताना अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ। तो गाइज इसका इसका जो सही आंसर है वो है अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का सहजादा का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए बीसवा क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसवा क्वेश्चन है तमाशा किस प्रकार का शब्द है। तो गाइज तमाशा जो है वो फारसी शब्द है। कैसा शब्द है, फारसी शब्द। चलिए इक्कीसवा क्वेश्चन, इक्कीसवा क्वेश्चन है अलमारी किस प्रकार का शब्द है। तो गाइस देखिए अलमारी जो है ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है, पुर्तगाली। चलिए बाईसवा क्वेश्चन देख लेते हैं। बाईसवा क्वेश्चन है हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, आपने हल्दी का तत्सम रूप बताना है, तो हल्दी का तत्सम रूप क्या है, हरिद्रा। ये वाला हरिद्रा आप गाइस मतलब इसका लिखावट भी देखेंगे कौन सा वाला, तो ये वाला हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा, ये हरिद्रा। ठीक है, चलिए तेईसवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तेईसवा क्वेश्चन है बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है गाइज, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इन चारों में बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध होगा गाइज, तो ये होगा आनुषंगिक। कौन सा है, आनुषंगिक। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं आनुषंगिक। चलिए चौबीसवा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौबीसवा क्वेश्चन है जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। तो गाइस देखिए जिज्ञासा से जो विशेषण शब्द बनेगा वो बनेगा जिज्ञासु। कौन सा बनेगा, जिज्ञासु। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है छ वर्ण किसके योग से बनता है। तो गाइस छह वर्ण जो है ये किसके योग से बनता है, क प्लस सा। ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी देखिए इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं आपको, सॉरी इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा क प्लस शाह। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है और एक आपको ऑप्शन देगा ये वाला इस तरह करके। ठीक है, इस तरह वाला, तो आपका ये जिसमें ये नीचे ये इस तरह से हलंत होगा ये वाला ठीक होता है। ठीक है गाइस, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है गाइस, निम्नलिखित में से हृदय का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए हे ये भी हृदय का पर्यायवाची है, उर ये भी हृदय का पर्यायवाची है, वक्ष ये भी हृदय का पर्यायवाची है, लेकिन सिंपक्ष, ठीक है सिंपक्ष जो है ये हृदय का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है, सिंपक्ष हंस का। सिंपक्ष किसका पर्यायवाची है,
हंस का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिरण का पर्यायवाची है। तो देखिए कुरंग, ठीक है, कुरंग जो है ये हिरण का पर्यायवाची है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची है। तो देखिए कुंजूर, करी, वारण, ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साधु का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सज्जन, ये भी साधु का पर्यायवाची है। भद्र, ये भी साधु का पर्यायवाची है। शिष्ट, ये भी साधु का पर्यायवाची है। लेकिन अधर, ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होठ का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? होठ, लिप जो होते हैं होठ, ठीक है, तो उनका पर्यायवाची होता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोधूली किसका पर्यायवाची है? तो देखिए गोधूली जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो ये है संध्या का। किसका पर्यायवाची है? संध्या का। बाकी तो जानते ही हम, जैसे सांझ, ठीक है, क्या होता है संध्या का? जैसे हमारा सांझ हो गया, सांझ, जैसे शाम, सायंकाल, तो ये किसके पर्यायवाची होते हैं? संध्या के, ठीक है। तो गोधूल किसका पर्यायवाची है? संध्या का। किसका पर्यायवाची है गोधूली? संध्या का। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा सही है? तो देखिए इसमें कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा सही है? तो ये कौन सा है? बद्ध मुक्त, ठीक है, बद्ध का मुक्त होता है। मानवीय जो है, मानवीय का, इसका क्या होता है? अमानवीय, ठीक है। और तीक्ष्ण का क्या होता है? कुंठित। तो इसमें सही कौन सा हुआ? ऑप्शन सी वाला, यानी बद्ध का जो सही विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? मुक्त। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन को पहचानिए। तो उसमें अघोष व्यंजन कौन सा है? तो अघोष व्यंजन है इसमें सा, ठीक है, ग, ड, भ, ये किस तरह के व्यंजन है? ये सघोष व्यंजन है, और सा जो है अघोष व्यंजन है। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, द्रंगचल का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए द्रंगचल जो होता है वो द्रक प्लस अंचल, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है, संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। 13 किसके होते हैं? ये भी आप याद रखेंगे। हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं? 13। और ये 19 जो होते हैं ये किसके हैं? ये उर्दू और फारसी के हैं। चलिए दसवां क्वेश्चन है हमारा, पंच परमेश्वर के लेखक हैं, ठीक है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो गाइज ये इसके कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? प्रेमचंद। कौन है इसके? पंच परमेश्वर के लेखक प्रेमचंद। चलिए ग्यारहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्यारहवा क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो देखिए प्रेमचंद्र का जो अधूरा उपन्यास था ये काफ़ी पूछा जाता है, तो वो था मंगलसूत्र। कौन सा उपन्यास था? मंगल सूत्र। चलिए बारहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। बारहवा क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। चलिए 13वां क्वेश्चन, छंद का अर्थ बताइए। तो देखिए छंद का जो अर्थ होता है वो होता है आहदित करना, यानी अगर सिंपल शब्दों में देखें तो खुश करना, ठीक है। छंद का जो अर्थ होता है वो होता है खुश करना या आहदित करना। चलिए 14वां क्वेश्चन, छंद के कितने अंग होते हैं? देखिए गाइस अंग और भेद में अंतर है, ठीक है, तो ये अंग पूछ रहा है। तो छंद के कितने अंग होते हैं?
तो ये होते हैं सात अंग। कितने अंग होते हैं? सात। कौन कौन से होते हैं? जैसे चारण हो गया, ठीक है, चारण है, वर्ण हो गया, संख्या, गण, उसके बाद होता है गति, गति के बाद होता है हमारा एक यति, यति के बाद होता है तुक। तो छंद के कितने अंग होते हैं? सात। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं? तो देखिए एतुकांत छंद को ब्लैंक वर्स कहते हैं, जिसमें तुक ना हो, ठीक है, जिसमें तुक ना हो, उसे अतुकांग अतुकांत छंद कहते हैं। और अतुकांत छंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए गाइस 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? तो गाइस ये होती हैं चौपाई में भी, अरिल्ल में भी और पद्री में भी। तो ये इसका जो सही आंसर है, ये सभी, यानी इन तीनों में छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन है, छंद के भेद कितने होते हैं? ठीक है, वहाँ अंग पूछ रहा था और यहाँ पे भेद पूछ रहा है। तो छंद के कितने भेद होते हैं गाइस? ये होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं? एक तो वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और तीसरा मुक्त छंद। तो छंद के कितने भेद होते हैं? तीन, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। चलिए 18वां क्वेश्चन, दोहा और रोले को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है गाइस, काफ़ी क्वेश्चन ये, मतलब ये कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर है कुंडलियाँ, ठीक है, दोहा और रोले के क्रम को मिलाने से कुंडलियाँ बनता है। चलिए 19वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है गाइस, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो देखिए भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती है वो आती है बघेली। कौन सी भाषा आती है? बघेली, ठीक है, बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है।